हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। किसी ने खूबी कहा है, बी ए बेटर पर्सन, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप हमेशा प्रतिज्ञा करें कि छोटों के साथ आप नरमी से पेश आएंगे, बड़ों के साथ करुणा से पेश आएंगे, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे और कमज़ोर व गलती करने वालों के साथ आप सहनशीलता से पेश आएंगे, क्योंकि अपने जीवन में कभी ना कभी इनमें से किसी ना किसी स्थिति में से हमें गुजरना पड़ता है। इसलिए आप अपने जीवन को इस तरह से ढालिए कि हर स्टेप पर, जीवन के हर पहलू पर अलग अलग प्रकार के पर्सन से अलग अलग तरीके से मिलिए। यस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए ये एग्जांपल्स हैं। अनुराग दिल्ली में 1950 से नहीं रह रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इसके अंदर आपको जैसा कि बताया गया था, अनुराग दिल्ली में 1950 ये टाइम दिया जाएगा, रह रहा होगा। तो हमने यहाँ पर इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। इसका फर्स्ट है, अनुराग दिल्ली में 1950 से नहीं रह रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, अनुराग विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फिक्स टाइम के लिए क्या लगाएंगे, सिंस 1950। अनुराग 1950 से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा। नेक्स्ट है, क्या तुम 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, कितने घंटे से, 2 घंटे से वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। पीरियड के लिए क्या लगाते हैं, 4 का यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क के लिए, इंटरोगेटिव के लिए इंटरोगेटिव। क्या मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हमने क्या लिखना है, क्या लगाएंगे आप, Shall I not have been reading for 4 hours। नेक्स्ट है, लड़कियां 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रही होंगी, the girls will have been learning their lessons for 2 hours. The girls will have been learning their lessons for 2 hours. नेक्स्ट है, लड़कियां 10 बजे से नहीं सो रही होंगी, the girls will not have been sleeping since 10 o'clock। राम प्रातः से पत्र लिख रहा होगा, Ram will have been writing a letter since morning। नेक्स्ट है, क्या मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो shall I not have been reading for 4 hours। नेक्स्ट है, क्या तुम 1 सप्ताह से परीक्षा दे रहे होंगे, विल यू
will you have been, will you have been taking the test, since a week? यहाँ पर हम चलेंगे अनुराग दिल्ली में 1950 से नहीं रह रहा होगा. अनुराग will not have been living in Delhi since 1950. क्या तुम 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? Will you have been waiting for him for 2 hours? क्या मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा? Shall I not have been reading for 4 hours? लड़कियाँ 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रही होंगी. The girls will have been learning their lessons for 2 hours. Next, लड़कियाँ 10 बजे से नहीं सो रही होंगी. The girls will not have been sleeping since 10 o'clock. राम प्रातः से पत्र लिख रहा होगा. राम will have been writing a letter since morning. क्या मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ? Shall I not have been reading for 4 hours? क्या तुम 1 सप्ताह से परीक्षा दे रहे होंगे? Will you have been taking the test since a week? इस तरह से आपने कंप्लीट आपकी जो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इससे पहले के टेंस हमने किए थे. सभी टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों ही टेंस की हमने प्रैक्टिस भी की और इनको समझा भी. आप पीछे की वीडियो पर जाकर सी बी वधवा इंग्लिश क्लासेस का जो चैनल है, उस चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए. प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये टेंस की सभी कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी और प्रैक्टिस भी मिलेगी और बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सिंपल मेथड में सिखाए जाते हैं, ताकि हर बच्चे तक हमारा मकसद है कि सीखने के लिए इंग्लिश का टॉपिक कम्प्लीट मिले. और इसी तरह से आप अपने चैनल को प्यार करते रहें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कंटिन्यू करते रहें. थैंक यू.